भारत और इंग्लैंड वनडे वर्ल्ड कप में कमाल का मुकाबला। टीम इंडिया वर्ल्ड कप में अपना छठा मैच जीतने उतरी। वेन्यू है लखनऊ और सामने था इंग्लैंड। मैच की शुरुआत में इंग्लैंड ने टॉस जीता और लखनऊ की मुश्किल पिच पर भारत को बैटिंग करने के लिए बुला लिया। इंग्लिश बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, मेहमान टीम को 229 रन का टारगेट मिला। फिर आई भारतीय गेंदबाजों की बारी और इसमें जलवा दिखाया मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह ने। भारत के लिए नई गेंद का जिम्मा संभाला बुमराह ने। इंग्लैंड के ओपनर्स दाविद मलान और जॉनी बेरिस्टो ने सदी हुई शुरुआत की। लग रहा था कि यार इंग्लैंड की टीम जो है आज शायद कुछ अलग करेगी, आज शायद एक वर्ल्ड चैंपियन टीम की तरह खेलेगी। लेकिन इस सदी हुई शुरुआत के बाद जसप्रीत बुमराह ने पांचवें ओवर में ही पहले मलान को और फिर अगली ही गेंद पर जो रूट को आउट कर दिया, और इसकी वजह यही है, इसीलिए तो उन्हें कहा जाता है कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में से एक हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे उनके स्ट्राइक पार्टनर मोहम्मद शमी की। शमी को छठे ओवर में मौका मिला। इससे पहले सिराज ने दो ओवर बॉलिंग की थी पर कोई खास चांसेस नहीं बना पाए। इंग्लैंड टीम पर प्रेशर बढ़ा तो कप्तान रोहित शर्मा सीधे अपने सबसे एक्सपीरियंस पेसर शमी की ओर पहुंच गए और शमी भाई ने तो कमाल ही कर दिया। आठवां ओवर रिटायरमेंट से वापस आकर इंग्लैंड के लिए खेलने उतरे बेन स्टोक्स स्ट्राइक पर थे। शुरू हुआ चूहे बिल्ली का खेल। लगातार इन स्विंग और आउट स्विंग को मिक्स करता हुआ बॉलर और बीच बीच में काउंटर अटैक की कोशिश करता हुआ बल्लेबाज। हालांकि स्टोक ज्यादातर गेंदे मिस कर रहे थे। ये वैसा ही प्रेशर था जैसा विराट कोहली पर बना था। कोहली 9 गेंद खेलकर डक पर आउट हुए आज। स्टोक्स अपनी 10वीं गेंद खेल रहे थे और यही उनकी आखिरी गेंद भी थी। स्टोक्स ने बड़ा शॉट खेलने के लिए रूम बनाया। ऐसे में कोई फुटवर्क नहीं होता है। शमी भाप गए थे। 2019 वर्ल्ड कप का हीरो अटैक करने की कोशिश करेगा। गुड लेंथ पर इन स्विंग और बोल्ड विकेट्स बिखर गए। स्टोक्स वापस लौट गए। शमी ने अपने अगले ओवर की पहली बॉल पर बेरिस्टो को भी वापस भेज दिया, यानी बुमराह की तरह वो भी हैट्रिक लेने ही वाले थे। 40 रन पर इंग्लैंड के 4 प्लेयर्स वापस चले गए और ये सारा एक्शन सिर्फ 10 रन के भीतर हो गया। 30 रन पर एक भी विकेट नहीं बिना गवाए खेल रहे जॉस बटलर की टीम 40 रन पर लगभग मैच हारने की कगार पर नजर आने लगी। अब उन्हें कोई चमत्कार ही चाहिए था। इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने इतनी कमाल की गेंदबाजी की कि इंग्लैंड के लिए कोई चांस ही नहीं छोड़ा। शमी ने तो अपने पहले 4 ओवर में महज 5 रन खर्चे और 3 विकेट चटकार डाले। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस गेंदबाज ने इतने कम स्ट्राइक रेट के साथ गेंदबाजी की हो तो सामने वाली टीम पर कैसा दबाव बना हो। ये तो बात हुई शमी और स्टोक्स के बीच आपसी नोकझोंक की। लेकिन अगर आपको भारत और इंग्लैंड से जुड़े और भी वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल ललन डॉप स्पोर्ट्स को देखते रहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ न्यूज रूम के वीडियोस नहीं मिलते, हमारी टीम ग्राउंड पर भी गई है, वहां से भी आपके लिए ढेर सारे वीडियोस लेकर आ रही है जो कि आपको मिलेंगे सिर्फ ललन टॉप स्पोर्ट्स पर। स्टोरी के लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी पुनीत ने, शुक्रिया। आपने बहुत सारे वॉर रूम की कहानियां सुनी होंगी, आज ललन टॉप का इलेक्शन वॉर रूम दिखाते हैं। एक एक करके तुम जो है मध्य प्रदेश से आओगे ना नीचे से, और ये झालावाड़ कोटा होते हुए फिर राजधानी निकल जाओगे, चले आना आगे। सरदार जो है सरदारपुरा जाएंगे। भाई इस हिसाब से तो आपको झालरापाटन जाना चाहिए। खोज खोज कर किन से बात करती है, लड़कियों से, महिलाओं से और नौजवानों से? और हाँ, सबसे ज्यादा ना एग्जाम देने वालों से हमें बात करनी है। वो तो ठेका ही आपका, वो करोगे ही, लेकिन अपने को दंतेवाड़ा में भी जाकर के कंसीडर करनी चाहिए फॉलोअप स्टोरीज। जबलपुर के मुंगौड़े और ग्वालियर की बिड़ई, खाने पीने से तो कलर आता है यार। कलर तो आता है, साथ में आती मौज और पब्लिक देखती है तो आता है नंबर, तो खाएंगे तो है ये। यार नंबर वाला तो गेम है तो देखा आपने, जोर शोर से चल रही है तैयारी। आपके सवाल और ख्याल पूछने की नियत और उनके जवाब नेताओं से हासिल करने की हिम्मत लेकर लल्लन टॉप की ये चुनावी टुकड़ियां आ रही हैं आपके गांव, कस्बे और शहर में। तो आइए और जुड़िए लल्लन टॉप चुनाव यात्रा से।